हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ घर की ओर, और आगे के 2 दिन में मेरा टिकट है और मैं घर जाऊँगा। यहाँ पर काफ़ी बेहतर लगा और मुझे कुछ भी परेशानी यहाँ पर नहीं है। जाने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा, फिर भी जाना पड़ रहा क्योंकि मम्मी ने बुलाई है। मम्मी को अच्छा नहीं लग रहा है। एंड यहाँ पर काफ़ी हरा भरा, अभी मैं बैठा हूँ अमरूद के पेड़ के नीचे, झूला झूल रहा हूँ। यहाँ पर काफ़ी मज़े लग रहे हैं। कितनी बारिश हुआ है फिर भी पानी का पता नहीं है। बोरवेल से कुआँ को भरा जा रहा है। कुआँ में चढ़ने और उतरने के लिए मस्त सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, पत्थर का काफ़ी मजबूत है। दोस्तों, बस यहाँ पर मुझे एक ही प्रॉब्लम होती है कि गर्मी काफ़ी तेज़ लगती है, क्योंकि सीट के रूम में रहना पड़ रहा है, जिसके कारण और भी तेज़ गर्मी लग रही है। और गर्मी की हालत तो आप देख ही सकते हैं, लेकिन भी यहाँ पूरी तरह से हरियाली ही देखने को मिल रही है। ये जो फसल उगाया जा रहा है, अभी बोरवेल की मदद से उगाया जा रहा है। बारिश होगा तो ये और भी हरा भरा दिखेगा। उस टाइम पे मैं नहीं रह पाऊँगा, और फरवरी के टाइम पे यहाँ अगर मैं रहता तो काफ़ी ज़्यादा गन्ने खाने को मिलते, क्योंकि इतने सारे खेत हैं, ट्रक बाई ट्रक यहाँ निकलते रहते हैं गन्ना, तो खाने के लिए फ्री में ही मिल जाता है, चाहे जितना भी आप खा सकते हैं। एक बार हम चारों तरफ आपको दिखा दें, यह नज़ारा काफ़ी सुंदर है। एंड मुझे यहाँ पर कुछ भी परेशानी नहीं है, और जाने को तो हमने बताया काफ़ी याद आएगी। दोस्तों, आज काफ़ी ठंडा लग रहा है, क्योंकि आज का मौसम चारों ओर बादल छाए छाए है और काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही है। ऐसे तो रोज़ ही हवा यहाँ पर चलती रहती है, समुद्र नज़दीक होने के कारण यहाँ ठंडी हवा चलती ही रहती है, लेकिन भी आज और भी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। थोड़ी बहुत बादल भी गरज रहा है, हो सकता है आज रात को बारिश होगा, और होता है तो और भी ठंडा हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ के किसानों को, क्योंकि बहुत दिन से वेट कर रहे हैं बारिश का। चारों ओर गन्ने सूख रहे हैं। इस नारियल के पेड़ को देखकर मुझे अपनी घर के नारियल के पेड़ का याद आने लगा। बचपन में मेरे घर में एक नारियल का पेड़ था, काफ़ी बड़ा हो गया था, जिसके कारण और वो तार की ओर झुक गया था, जिसके कारण उसे काटना पड़ा। मस्त पार्सल आई है मेरे लिए। आज के इस ब्लॉग में मैंने आपको काफ़ी कुछ दिखाया यहाँ के बारे में। सच बताऊँ तो मुझे यहाँ से जाने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा, और यहाँ आकर तो मैं काफ़ी ज़्यादा मांसाहारी बन गया है। डेली चिकन लगभग चल ही रहा है, मुझे कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी घर जाना पड़ेगा। आई होप आपको आज का ब्लॉग काफ़ी पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।